वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेस। आज रीजनिंग में हमारा नया टॉपिक है और पहला टॉपिक है सादृश्यता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी में तीन टाइप होते हैं, हिंदी शब्द सादृश्यता और अक्षर सादृश्यता, फिर आ जाती है मिश्रित सादृश्यता। ठीक है, और कई जगह तो आ जाती है गणित में, ठीक है, अंक सादृश्यता। तो आज हमारा टाइप फर्स्ट है हिंदी शब्द शब्द सादृश्यता। हिंदी शब्द सादृश्यता का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, बिहार का संबंध पटना से है, उसी प्रकार झारखंड का संबंध किससे है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, सबसे पहले सादृश्यता का मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सा का मतलब होता है समान, क्या होता है? समान। और दृश्य का मतलब होता है दिखना, क्या होता है? दिखना। समान दिखना या दिखने वाला, समान दिखने वाला। ठीक है, सादृश्यता को हम इंग्लिश में एनालॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनालॉजी। जैसे मैंने बात की बिहार की, किसकी बात की? बिहार की। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है ना। इसी प्रकार से झारखंड की राजधानी क्या है? क्या है? रांची। तो यहाँ पर आपसे ऐसे प्रश्न पूछेगा कि बिहार अनुपात पटना और झारखंड अनुपात, यहाँ पर आपको दे देगा क्वेश्चन मार्क, और आपको पहला ऑप्शन देगा रांची, ठीक है, बी दे देगा लखनऊ, और तीसरा ऑप्शन दे देगा सी जयपुर, और चौथा ऑप्शन क्या दे देगा? देहरादून। आपको आंसर देना इनमें से क्या आएगा? भाई बिहार की राजधानी पटना है, झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। वहाँ पर इस प्रकार से गोले आते हैं, उनको आपको गहरा करना होता है इस प्रकार। बस आया समझ में? इतना नहीं आया। अगर मान लो सेकंड प्रश्न ये है मेरा, सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल लिख लो। जैसे चारा अनुपात मवेशी, ठीक है, चारा अनुपात मवेशी। मवेशी किसको बोलते हैं? जानवरों को। किसको बोलते हैं? ठीक है, चारा अनुपात मवेशी, मवेशी बोलते हैं जानवरों को। अब आपको क्या है यहाँ पर ऑप्शन में देखो, पहला क्या दे रखा है? पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें आपको घास अनुपात घोड़ा, घास अनुपात घोड़ा। बी ऑप्शन दे रखा है पैन अनुपात स्याही, सी ऑप्शन दे रखा है फल अनुपात जूस, और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन क्या दे रखा है? इनमें से कोई नहीं। आप बताओ इस सेकंड प्रश्न का आंसर क्या आएगा? हो सकता है आपको सिर्फ सिंगल दे दे झारखंड की, यहाँ सिंगल दे दे, या पूरा का पूरा दे सकता है। इस प्रकार से बात आ रही समझ में? इस क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि ये दोनों चीज़ दे दी आपकी बार। तो आप बताओ चारा कौन खाता है? जानवर। और घास कौन खाता है? घोड़ा खाता है क्या? क्या पैन को स्याही खाती है? स्याही को पैन खाता है, लेकिन पैन
स्याही, पेन को स्याही खाती है क्या? नहीं खाती। अगर यहाँ स्याही होता, यहाँ पेन होता तो बात सही थी। समझ में आ रही मेरी बात? क्या फल को जूस खाता है? नहीं खाता। घास को घोड़ा खाता है, ठीक है? घोड़ा घास तैयारी करेगा तो खाएगा क्या? ऐसा कहते हैं ना, घोड़ा घास तैयारी करेगा तो खाएगा क्या, मतलब समझ रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पर घास को कौन खा रहा है? घोड़ा। चारा को कौन खाते हैं? मवेशी या जानवर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा? ए आएगा। आया नहीं है समझ में? नोट कर इसको। देखो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है थर्मामीटर, तापमान, सीस्मोग्राफ। आगे ऑप्शन तो दिया नहीं है मैंने इसमें, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। थर्मामीटर क्या काम करता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप थर्मामीटर की बात करते हैं तो थर्मामीटर हमेशा आपका ताप मापेगा। क्या मापता है? ताप। ताप को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। आपने देखा होगा ताप मापी होता है डॉक्टर के पास और वो अपना टेम्परेचर मापता है, ठीक है? वो होता है उसके पास थर्मामीटर। थर्मा शब्द बना है ताप से। किससे बना है? ताप से। और जो सीस्मोग्राफ है ना, ये भूकंप की तीव्रता मापेगा। क्या मापेगा? भूकंप की तीव्रता। तीव्रता का मतलब होता है कि भूकंप कितने तेज आया, ठीक है? केवल मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि भूकंप को मापने का यंत्र क्या है, कि भूकंप आया कि नहीं आया। हाँ, मान लो भूकंप आया या नहीं आया, ये कैसे पता करोगे आप? नहीं, सीस्मोग्राफ से तो सिर्फ पता लगता है भूकंप की तीव्रता, कि भूकंप इतना तेज आया। लेकिन सिर्फ भूकंप को मापने का यंत्र क्या है, उस यंत्र का नाम क्या है बताओ? भूकंप को मापने का यंत्र का, भूकंप को मापने का यंत्र तुम खुद ढूंढ के लेके आओगे। अब भूकंप की तीव्रता को तो सीस्मोग्राफ मापता है। चौथा प्रश्न इस प्रकार से आता है, कौन वैसा ही है जैसे भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी, विस्फोट, ये सारे क्या हैं बताओ? वैश्विक का उष्मा का मतलब होता है विश्व की उष्मा, ठीक है? बाढ़ का मतलब क्या है? पानी का अत्यधिक आ जाना। तेल रिसाव, तेल का लीकेज होना। रिसाव इंग्लिश में बोलते हैं लीकेज को, अगर कोई गैस लीक होती है ना उसको रिसाव बोलते हैं हिंदी में। कई शब्द ऐसे होते हैं इंग्लिश के जो क्या है सरल होते हैं और हिंदी में टफ होते हैं, है ना? अब रिसाव शब्द देखो, वैसे लीकेज अपन कहते हैं लीक हो रहा है कोई चीज़, तो रिसाव उसको हिंदी में कहेंगे। जैसे भूकंप है, चक्रवात है, ज्वालामुखी है, विस्फोट है, ऐसे इनमें क्या आएगा बताओ? ऐसे इनमें आएगा ये बाढ़। क्यों आएगा? क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं में आती है। भूकंप प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात प्राकृतिक आपदा है, ज्वालामुखी प्राकृतिक आपदा है, और विस्फोट भी क्या है? जो बाढ़ है ना, बाढ़ वो भी किस में आती है? प्राकृतिक आपदा में ही आती है। ये तीन है जो अलग हैं, इस डी ऑप्शन का मतलब है इनमें से कोई नहीं। तेल रिसाव का मतलब होता है तेल लीकेज कब होता है भाई? आपका गैस सिलेंडर लीकेज तभी तो होगा जब कोई ना कोई कमी होगी, तो प्राकृतिक आपदा हो गई क्या? नहीं हुई ना प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा उन्हें कहते हैं प्रकृति के कारण होने वाली आपदा, प्राकृतिक आपदा कहलाती है। ये बाढ़ जो है ना, बाढ़ ये प्राकृतिक आपदा में आती है। और वैश्विक उष्मा का मतलब होता है जैसे अपना ओजोन परत नष्ट हो रही है, ठीक है? ये भी वैश्विक उष्मा के कारण ही आती है। तो आगे हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे इसमें जिनसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? उनके हम व्याख्या पढ़ेंगे। अब देखो जैसे इसमें देश और राजधानी है, ठीक है? चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। कितनी है चीन की राजधानी? बीजिंग। नेपाल की काठमांडू, जापान की टोक्यो, और श्रीलंका की कोलंबो। भारत की क्या है? नई दिल्ली है। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी दिल्ली थी, दिल्ली से पहले कोलकाता थी। पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, ठीक है? अफगानिस्तान की क्या है? काबुल। और रूस की क्या है? मास्को, ठीक है? और देखो अब इसमें, अब इनकी देश और राष्ट्रीय मुद्राएं। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? कि जैसे अपनी कोई कहते हैं ना मनी, धन जो होता है अपना रुपए में होता है वो, लेकिन यहाँ की जो मुद्रा है वो किस में है? चीन की तो युआन में है। चीन की कहाँ पर है? याद रखना जो कोरोना फैला था वो वुहान शहर से फैला था, ठीक है? तो ये युआन है। जापान की क्या है? येन।
भारत की रुपया है और रुपये को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इटली की क्या है? लीरा। म्यांमार की क्या है? क्यात। और म्यांमार की औकात से आपको रखना है क्यात। म्यांमार की जो क्या है राष्ट्रीय मुद्रा है ना, उसकी औकात को क्यात से रखना है, औकात से क्यात याद आ जाएगा आपको, ठीक है। भूटान की क्या है? नुगलुट्रम। इंग्लैंड की क्या है? पौंड। पाकिस्तान की आपको बतानी क्या है। उसके बाद इनकी देश और क्या है? संसद। भारत की संसद क्या है? संसद ही है, ठीक है ना। भारत की संसद क्या है? संसद ही है। अफगानिस्तान की संसद क्या है? शोरा है। ईरान की क्या है? मजलिस। और जापान की डायट, ठीक है। मुझे हमेशा जापान के बारे में डाउट रहता है, क्या रहता है? डाउट। तो ये डायट हो गई। उसके बाद नेपाल की क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। उसके बाद देश जो है ना, उनका राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक चक्र। क्या है? स्पेन का क्या है? ईगल। फ्रांस की क्या है? लीली। मुझे जो फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक है ना, लीला नजर आता है, लीला लीला। ईरान की क्या है? गुलाब का फूल, याद रखना, ईरान के गुलाब जामुन। और ऑस्ट्रेलिया के क्या है? बैटल। ऑस्ट्रेलिया में जो बेल्ट मिलती है ना, बेल्ट, वो बढ़िया मिलती है, ठीक है। तो बेल्ट से बैटल याद रह जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप नोट करो। अब देखो पांचवा है देश और राष्ट्रीय पशु। देखो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? टाइगर, मतलब बाघ, ठीक है। और जापान का क्या है? आई विश। अपन कहते हैं ना, आई विश यू मम्मी, मैं तुम्हें याद, मम्मी मैं, मम्मी मैं तुम्हें याद करता हूँ। तो आई विश जापान, समझ में आ गया? आई विश जापान, मतलब मैं जापान को विश कर रहा हूँ। तो जापान की क्या हो गई राष्ट्रीय पशु? क्या हो गया? आई विश। समझ में आ गया, नहीं आया? अब यूके, ये है यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इसकी ये रॉबिन क्या है? रॉबिन रेड ब्रेस्ट। रॉबिन रेड ब्रेस्ट याद कैसे रखनी है? जो यूके है ना, जो यूके है ना, यूके मतलब यूके के अंदर जो रॉबिन है वो किस पर? बेड पर रेस्ट करता है। रेड ब्रेस्ट याद रह जाएगी आपको, ठीक है। रॉबिन किस पर? बेड पर रेस्ट करता है, रेड ब्रेस्ट, ठीक है। कनाडा की क्या है? वीवर। कनाडा का राष्ट्रीय पशु क्या है? वीवर। ये पशुओं का नाम है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का है कंगारू। क्या है? कंगारू। अब आता है देश और इनके सरकारी दस्तावेज, मतलब गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो क्या है, ठीक है। चीन का है व्हाइट हाउस, या सॉरी व्हाइट बुक। क्या है चीन का? व्हाइट बुक, ठीक है। चीन का क्या है? व्हाइट बुक। और फ्रांस का है येलो बुक। फ्रांस का क्या है? येलो बुक। ब्रिटेन का क्या है? ब्लू बुक। ब्रिटेन से ब्लू बुक। इटली का क्या है? ग्रीन बुक। इटली का क्या है? ग्रीन बुक। जापान का क्या है? ग्रे बुक। और भारत का आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा बुक है इसका, ठीक है। देश और राष्ट्रीय पुष्प, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। और यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब है। क्या है? आयरलैंड का क्या है? साम रॉक, ठीक है। आयरलैंड के कभी भी शर्म नहीं रही, साम रॉक। जर्मनी का क्या है? कॉर्न फ्लावर। ये इसके पुष्प के नाम है, फ्लावर के नाम है। और फ्रांस की क्या है? लिली। अब है देश और इनकी समाचार एजेंसी। भारत की समाचार एजेंसी का नाम है समाचार भारती। क्या है? जबकि समाचार पत्र क्या है? दैनिक जागरण। समझ में आ रहा है? समाचार एजेंसी और समाचार पत्र में फर्क है, ठीक है। भारत का समाचार एजेंसी है समाचार एजेंसी, समाचार भारती, और समाचार पत्र है दैनिक जागरण, याद रख लेना इसको। ईरान का समाचार एजेंसी है इरना। क्या है? इरना। देखो इसकी इस मात्रा को हटाकर कहाँ लगा देंगे? यहाँ पीछे इरना, रह गई ना याद। और इंडोनेशिया की है अंतारा। इंडोनेशिया के क्या है? और चीन की क्या है? सिन्वा। और ब्रिटेन की क्या है? रूटर्स। ये इनकी क्या है? राष्ट्रीय पशु।
सरकारी दस्तावेज, राष्ट्रीय पुष्प, समाचार एजेंसी, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो, आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। रीजनिंग में हमारा एनालॉजी टॉपिक चल रहा था। एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्यता। मैंने आपको काफ़ी चीज़ें कल बताई थी इसमें, तो हम टाइप फर्स्ट में ही पाँचवें प्रश्न से पढ़ रहे हैं, चार प्रश्न हमने पढ़ लिए थे। हिंदी शब्द सादृश्यता, द हिंदी वर्ड एनालॉजी, मतलब समान दिखने वाला, हिंदी में जो समान दिखे, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। अब पाँचवें प्रश्न है हमारा भेद, धमकी, क्रोध। अगर मान लो कोई भी डर होता है आपको, धमकी से डर लगेगा कि नहीं लगेगा? कैसे लगेगा धमकी से डर बताओ? आपने कोई गलत काम कर दिया, ठीक है, तो मैं आपको धमकी दूंगा कि मैं आपके घरवालों से कह दूंगा, तो आपका मतलब क्या होगा, आप डरोगे नहीं डरोगे उससे बताओ? तो हमेशा धमकी से क्या होता है, डर लगता है। धमकी से क्या लगता है आप बताओ? व्यवस्था से क्रोध आता है क्या? संतरास से क्रोध आता है? भड़काने से क्या आता है? मैं आपको भड़का दूं किसी को, मेरे को किसी ने भड़का दिया कि सर आपके बारे में एक लड़का ऐसे से बोल रहा था, वो तो फीस ज़्यादा लेता है, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे गुस्सा आएगा ना, यार मैं फीस कम भी ले रहा हूँ फिर भी मतलब लोग बाग भड़का रहे, ठीक है, तो भड़काने से क्या आता है, हमेशा क्या आता है, क्रोध आता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, क्रोध आएगा। बात आ गई समझ में पहली, ठीक है। अब देखो दूसरा प्रश्न, निर्माता और थोक विक्रेता, मतलब ध्यान से समझना, निर्माता वो होता है जहाँ पर किसी भी चीज़ का निर्माण होता है, जैसे कहीं पर चीनी बन रही है, तो चीनी जहाँ बनेगी उसे हम निर्माता कहेंगे, निर्माण, निर्माता शब्द बना निर्माण से। बाइक जहाँ बन रही है, हीरो की, होंडा की, या कोई मारुति बन रही है मारुति सुजुकी कंपनी के अंदर, या फिर हम कहें कि रॉयल एनफील्ड जहाँ गाड़ी बन रही है वो कंपनी निर्माता है, कहते हैं ना मारुति सुजुकी निर्माता, ठीक है, जहाँ पर मतलब कोई सामान बन रहा है उसे निर्माता कहते हैं। तो निर्माता सामान किसको देता है? वो हमेशा सामान डायरेक्ट वो दुकानदारों को नहीं देता है, आपने देखा भी होगा ये चीज़। पहले एक थोक की दुकान होती है और थोक की दुकान से सामान हमारे पास आता है, हम फिर दुकान पर बेचते हैं। तो निर्माता जहाँ निर्माण होता है वो सामान देता है थोक विक्रेता को कि भाई थोक में दे दो हमको। बढ़िया, क्या करता है सामान को थोक विक्रेता, मतलब जहाँ पर हमारी फसल होती है ना, हम निर्माण कर रहे हैं ना अनाज का, हम किसको दे रहे हैं, थोक में दे रहे हैं। बढ़िया, हमसे थोक में खरीद रहा है सामान को, गेहूँ अगर खरीदेगा थोक में खरीदेगा। अब जो खुदरा विक्रेता होता है वो होता है रिटेलर। क्या होता है, इसको इंग्लिश में रिटेलर कहते हैं, क्या कहते हैं? रिटेलर का मतलब होता है खुदरा विक्रेता, ठीक है। ये क्या करेगा, इस सामान को किसको देगा, उपभोक्ता को देगा, ठीक है, ये याद रखना आप, दुकानदार को नहीं देगा। और उपभोक्ता किसको देता है, दुकानदार को। बात आ गई समझ में नहीं आई? मतलब जो भी कहाँ जहाँ पर भी सामान का निर्माण हो रहा है वो सामान पहले थोक विक्रेता के पास जाएगा, ठीक है। क्रय का मतलब होता है खरीदना और विक्रय का मतलब होता है बेचना, तो क्रेता है ये, क्या है, क्रेता, विक्रेता, ठीक है ना। तो ये सामान को क्या करेगा, इसको बेचेगा। आगे सामक दर्द, ठीक है, और सांत्वना क्या है, आप देखो सामक से दर्द में फायदा होता है, और जब आप किसी को सांत्वना देते हैं ना तो उससे हमेशा दुख दूर होता है। बात आ गई समझ में, सांत्वना से हमेशा क्या दूर होता है। मान लो कि कोई आदमी, मान लो कोई बूढ़ा गुजर गया, तो उसकी बुढ़िया को हम सांत्वना देने जाते हैं कि भाई बूढ़ी माँ आप चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, उसकी उम्र हो गई और वो तो, उसको तो जाना ही था। इतनी हम सांत्वना देते हैं उस बूढ़ी अम्मा को क्योंकि उसका पतिदेव गुजर चुका है, ठीक है। तो सांत्वना जब भी दी जाती है उससे हम किसी का दुख दूर करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। सामक से दर्द का, दर्द को दूर किया जाता है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, हमने तीन प्रश्न पढ़ लिए हैं, अब हम चौथा प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। देखो बर्फ, बर्फ का मतलब होता है आइस, और बर्फ के अंदर होती है ठंडक। क्या होती है, मतलब शीतल का मतलब क्या होगा, ठंडक होगा कि नहीं होगा बताओ? आप देखो तो पृथ्वी के अंदर क्या होगा, क्या होगा पृथ्वी के अंदर, ये सागर होगा, वन होगा, भार होगा, गुरुत्व होगा। बर्फ में, बर्फ के अंदर नहीं, बर्फ में शीतलता होती है, तो पृथ्वी में क्या होती है,
गुरुत्व होता है। पृथ्वी किसी भी चीज को क्या करती है, खींचती है, किसके कारण, गुरुत्व के कारण। और बर्फ होता है ना, बर्फ, बर्फ से हमेशा किसी चीज को क्या मिलती है, शीतलता मिलती है। आगे समझ में, तो इसका आंसर क्या आएगा, गुरुत्व आएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न, आप बताओ कड़ी में फूल होता है कि फूल में कड़ी होती है। अपन बनाते थे पहले छोटे छोटे, छठी सातवीं आठवीं में कड़ी का फूल बनाते थे ना, छह कड़ी का फूल। तो मतलब फूल में कड़ी होती है, कड़ी में फूल होता है। ये देखो आप बताओ, फूल में कड़ी होती है या कड़ी में फूल होता है, कन्फ्यूज हो रहे हैं ना अपन अभी। फूल में, तो आप बताओ पौधे के अंदर क्या होगा, पौधे के अंदर जड़ होगी। चलो चलो ऐसे करो, चलो ये नहीं बैठ, नहीं बैठ रहा है इस तरीके से। अब हम और दिमाग लगाते हैं, ठीक है। पौधा किससे उगता है और फूल किससे बनता है, फूल बनता है कड़ी से हमेशा। किससे बनता है, फूल का निर्माण किससे हुआ, कड़ी से, कड़ी आती है पहले उसमें। तो बीज से किसका निर्माण होगा, पौधे का। अब आगे समझ में, जड़ से भी पौधा नहीं बनता, शाखा से भी पौधा नहीं बनता, पत्तियों से भी पौधा नहीं बनता, बल्कि पौधे से पत्तियां बनती हैं, पौधे में जड़ बनती है, पौधे में शाखा बनती है। इसलिए क्या आएगा इसका आंसर, बीज आएगा। क्योंकि नज़दीक नज़दीक ध्यान रखना, कड़ी से फूल बनता है तो पौधा किससे बनेगा, ऐसा है कि जड़ से पौधा बन जाए, नहीं बन सकता। ठीक है, अधिकतर 90% नहीं बन सकता, हो सकता है अब तुम शहतूत के पेड़ की बात करो, ठीक है, तो वो एक अलग बात है। चलो इसका पढ़ते हैं अपन, सुनो यहाँ पर, रतौंधी 10वां प्रश्न है आपका। रतौंधी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, कौन सा होता है, स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और विटामिन के की कमी से होता नपुंसकता। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, रतौंधी का मतलब होता है आपको कम दिखना, रसुंदा होता है, जिसको रसुंदा बोलते हैं, आपके देहाती भाषा में रसुंदा बोलते हैं, समझ में आ गया। आँखों की बीमारी होती है रतौंधी। एक होता है बेरी बेरी, विटामिन सी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, त्वचा में खुजली का चलना, ठीक है, ये होता है विटामिन सी। विटामिन डी का होता है रिकेट्स, रिकेट्स का मतलब क्या होता है बताओ, ये हम बात करेंगे साइंस में, क्योंकि टाइम की कमी है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है तो बेरी बेरी किससे होगा, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, याद रखना विटामिन बी फॉर बेरी बेरी, ठीक है। अब यहां देखो आप इस प्रश्न में बताओ 11 में क्या आएगा, गज है, इंच है, और क्या है, क्वार्ट, बताओ इसके अंदर क्या आएगा। इसका ऑप्शन है गैलन, इंच, आउंस और दूध, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। आप ही बताओ, इंच बड़ा है या गज बड़ा है, इंच बड़ा है या गज बड़ा है, इंच बड़ा है या गज, पक्का बताए, बात मत करो। देखो इंच गज से छोटी इकाई है, ठीक है, इंच गज से छोटी इकाई, याद कैसे रखोगे, गज का मतलब हाथी, हाथी होता है ना, हाथी बड़ा, ठीक है, इंच से, बस इतना याद रखना है आपको। अब एक फुट में इंच कितने होते हैं, हाँ 12 इंच होते हैं, कितने इंच होते हैं, ठीक है। तो देखो क्वार्ट जो है ना, क्वार्ट, क्वार्ट से छोटी इकाई किसकी है, क्वार्ट से मतलब इंच छोटा है गज से, तो क्वार्ट से छोटा है आउंस। ये हम साइंस में पढ़ेंगे, जब भी हम साइंस पढ़ेंगे तो उसमें हम सारी इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो,
अब यहाँ देखो, कीटनाशी फसल एंटीसेप्टिक, बताओ क्या आएगा, घाव आएगा या वस्त्र आएगा या बैंडेज आएगा या रक्त स्त्रवण आएगा, इसमें बताओ। देखो जो कीटनाशी होता है ना, कीटनाशी, कीटनाशी का मतलब आपके टंकी में अनाज भरा हुआ है, सुनना ध्यान से, आपकी टंकी में अनाज भरा हुआ है और आप उसमें क्या रखते हैं, अंदर टंकी में गोली रखते हैं ना, वो आती हैं कीटनाशी, उसको आप कीटनाशी कह सकते हैं। अगर आपकी फसल में नुकसान हो गया तो आप स्प्रे छिड़केंगे नहीं छिड़केंगे, स्प्रे का मतलब वो भी क्या होता है, कीटनाशी। किसी ने कण बो रखा है, प्याज का कण अगर बो रखा है, अगर वो खराब हो रहा है, उसको कौन बचाएगा, स्प्रे मतलब कीटनाशी। तो फसल को बचाने के लिए कौन होता है, कीटनाशी, दवाएं जिसको आप बोलते हैं। इसी प्रकार एंटीसेप्टिक क्या काम आता है, एंटीसेप्टिक, याद रखना, एक होता है एंटीबायोटिक, एक होता है एंटीसेप्टिक। अगर आपके लग गई तो आप, वर्षा के दिनों में लग गई तो आप इंजेक्शन लगवाते हैं, कौन सा, टिटनेस का, ताकि आपके टिटनेस ना हो जाए, ठीक है। अगर आपके कहीं पर खाल पर लग गई या कहीं पर आपके त्वचा पर लग गई तो आप वहाँ पर क्या करते हैं, टिटनेस जीवाणु जो होता है, बैक्टीरिया मतलब उस पर लग जाता है या फिर कोई ख़राब हो जाता है, तो उसको किससे बचाया जाएगा, बताओ, एंटीसेप्टिक से किससे, किसको बचाया जाएगा, कोई भी घाव को बचाया जा सकता है, किसको, घाव को। क्या वस्त्र को बचाएंगे आप, बैंडेज को बचाएंगे, रक्त स्त्रवण को बचाएंगे, रक्त स्त्रवण का मतलब रक्त का बहना, तो आप वस्त्रों को थोड़ी बचाएंगे इससे, एंटीसेप्टिक से नहीं बचा पाएंगे ना, आप बचाएंगे सिर्फ घाव को, ठीक है। आगे 13% आशावादी, ठीक है, प्रफुल्ल निराशावादी, उदास, निकृष्ट, तुच्छ और सहायक। जो भी आदमी आशा रखता है उसका मन हमेशा क्या रहता है, प्रफुल्ल, और जो आदमी निराशावादी जो रहता है उसको क्या होती है, निराश का मतलब उदास, ठीक है, वो हमेशा क्या रहता है, उदास, इसका आंसर एग्जैक्ट उदास आएगा। 14% है रेत, ठीक है, रेगिस्तान, जल समुद्र, खाना धुआं, तालाब जल, महासागर जल। ध्यान दो यहाँ पर, रेगिस्तान के अंदर रेत ही रेत है, और आप याद रखना समुद्र के अंदर क्या है, जल ही जल रहता है। क्या धुएं के अंदर खाना रहता है, क्या आप बताओ जल के अंदर तालाब रहता है, क्या बताओ आप जल के अंदर महासागर रहता है, नहीं। अगर ये प्रश्न इस प्रकार से होता है, जल यहाँ पर और तालाब यहाँ पर, तो ये भी इसका आंसर आ सकता था। अगर जल यहाँ रहता, महासागर यहाँ रहता, तो भी ये आंसर आ सकता था। याद रखना, एरो लगा देना, रेगिस्तान के अंदर रेत रहती है तो समुद्र के अंदर क्या रहेगा, जल रहेगा, पानी रहेगा, ना कि तालाब के अंदर क्या है, जल, मतलब है तालाब के अंदर जल तो है, लेकिन ये जो है ना, जल के अंदर क्या है, तालाब नहीं है, मतलब एरो का समझ रहे हैं ना आप, जैसी एरो उसमें है ना ऐसी आएगी, क्योंकि एक एरो आपको गलत देता है वो, जैसे इसमें तीन एरो, दो एरो गलत दे रखे हैं, अब तुम सोचोगे तालाब के अंदर जल रहता है, लट्टिक हो गया था, एरो पर ध्यान दिया नहीं, क्योंकि एरो क्या कह रही है, एरो हमको समझा रही है कि रेगिस्तान के अंदर क्या है, रेत है, और यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि जल के अंदर तालाब है क्या, बताओ, नहीं है ना, क्योंकि तालाब के अंदर क्या है, जल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दे रखा है जल के अंदर तालाब है, आप सोचो दिमाग से कि जल के अंदर तालाब है, कई तो लगाते टिक हाँ है, क्योंकि वो दिमाग लगाते नहीं है, तालाब के अंदर जल तो है लेकिन जल के अंदर तालाब है कि ये बताओ, क्योंकि एरो वहाँ पर ध्यान देना, जैसे वे वो और ऐसे ही है, क्योंकि सादृश्यता का मतलब होता है समान दिखना, जैसे वो दिख रहा है ऐसा ये दिखना चाहिए, बात आई समझ में नहीं आई। आगे प्रश्न है सिग्नल और ट्रैफिक और बांध, नदी, लेंस, प्रकाश, दरवाजा, मकान, ऑपरेशन, डॉक्टर, बताओ क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। सिग्नल, ट्रैफिक, आंसर क्या आएगा जल्दी बता दो, फिर और प्रश्न भी कराने मेरे को। आप बताओ ट्रैफिक को रोकने के लिए क्या होता है, सिग्नल होते हैं कि नहीं होते, ट्रैफिक को रोकने के लिए सिग्नल होते हैं चार,
तीन बत्ती होती, सॉरी हरी नीली और लाल, हरी पीली लाल पीली और नहीं लाल होती है, पीली होती है और हरी, लाल रुकने के लिए ठीक है, और पीली सावधानी पूर्वक चलने के लिए, और हरी चलते रहने के लिए ठीक है। संकेत तो तीनों ही करती हैं, तो ध्यान से देखना। नदी को किससे रोका जा सकता है? जब ट्रैफिक को सिग्नल की सहायता से रोक सकते हैं तो नदी को किससे? बांध बनाकर रोका जा सकता है ठीक है। लेंस मतलब प्रकाश से लेंस को रोका जा सकता है क्या? नहीं, दिखेगा वो तो। मकान से दरवाजे को रोका जा सकता है? नहीं। डॉक्टर से ऑपरेशन को? नहीं, ऑपरेशन को डॉक्टर रोक सकता है, ना कि डॉक्टर ऑपरेशन को ठीक है। यहाँ तक नोट, हमने 15 सवाल पढ़ लिए थे, अब हम 16 सवाल से चल रहे हैं। देखो फिल्म की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? फिल्म का क्या होता है, डायरेक्टर होता है कि नहीं होता है ना, मतलब जो बनाता है फिल्म उसका डायरेक्टर होता है, निर्देशक जो उसको मतलब हैंडल करता है। इसी प्रकार से पत्रिका मतलब एक न्यूज़पेपर है, और पत्रिका को छापता कौन है? संपादक। संपादक को इंग्लिश में बोलते हैं एडिटर, क्या बोलते हैं? एडिटर ठीक है। तो हमारे 16 सवाल में ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी, संपादक, आप इसे नोट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखो, ट्रायलॉजी नॉवल, नॉवल को बोलते हैं उपन्यास, क्या बोलते हैं? मतलब ट्रायलॉजी, ट्राय का मतलब तीन, ट्राय का मतलब क्या होता है? तीन। इसमें तीन कहानियां होती हैं, किसमें? ट्रायलॉजी में, समझ में आ गया? जबकि उपन्यास में कई कहानियां होती हैं। इसी प्रकार से बात कर रहे हैं किसकी? कड़ी की और धारावाहिक की। कड़ी में भी क्या होता है? एक कहानी होती है, क्या होती है? और जबकि धारावाहिक में कई कहानियों का क्या होता है? समावेश होता है। इसलिए ट्रायलॉजी में एक कहानी, सॉरी तीन कहानी, और नॉवल में एक कहानी। इसी प्रकार से कड़ी में एक कहानी और धारावाहिक में कितनी कहानी होंगी? कई कहानियाँ होंगी कि नहीं होंगी बताओ? कड़ी में एक और धारावाहिक में भी कई। बंदूक और कारतूस का कोई संबंध नहीं है, वस्त्र और बुनना ये इसका भी कोई संबंध नहीं है, और दूध और मलाई इसका भी कोई संबंध नहीं है। मतलब दूध के अंदर क्या है? मलाई होती है ना, होती कि नहीं होती है? और वस्त्र के अंदर मतलब वस्त्र को क्या कहा जाता है? बुना जाता है क्या? और बंदूक के अंदर क्या रहते हैं? कारतूस। तो ये थोड़ा डीपली प्रश्न है, आप इसे लिख सकते हैं। ट्रायलॉजी और उपन्यास में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिख लो। ट्रायलॉजी में तीन कहानियाँ जबकि नॉवल में कितनी? कई कहानियाँ होती हैं। मतलब समझ में आया? मतलब बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। ट्रायलॉजी में तीन और नॉवल में क्या होती है? एक से अधिक, सॉरी एक से अधिक कहानियाँ। आप जानते हैं कि उपन्यास आप पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते नहीं पढ़ते हैं अपन? तो ऐसे कड़ी में एक कहानी और धारावाहिक में कई कहानियों का क्या होता है? समावेश। ठीक है, तो ये समझ जाना आप। आपको पता है कैंची का किससे संबंध है? कपड़े से, कपड़े को काटता है ना कैंची, तो बताओ दरांती किसे काटेगी? घास को काटेगी। लकड़ी को भी काट सकती है क्या? आपने कभी काट के देखा है इसको? लकड़ी को नहीं कटेगी, स्टील भी नहीं कटेगी, कागज भी, कागज तो आसानी से कट रहा है, छोटी लकड़ी होती कट जाती है। तो बताओ फिर इसमें क्या आना चाहिए? घास ही आएगा, क्योंकि ज़्यादा डीपली पर्सन ये है, घास होने को तो कागज भी काट सकते हैं, लेकिन आज तक आपने कभी अपनी ज़िंदगी में दराज से कागज़ को काटा है क्या? नहीं काटा, इसलिए इसमें ही आएगा। मोटरसाइकिल और बैटरी, देखो मोटरसाइकिल जो है ना ये एक यंत्र है, बाकी ये बैटरी से स्टार्ट होती है, बैटरी एक ऊर्जा का रूप है। इसी प्रकार से जीवन को चलाने के लिए किसका रूप होना चाहिए? सौर ऊर्जा का। किसका? आप जो भी काम कर रहे हैं सौर ऊर्जा से ही कर रहे हैं आज अधिकतर काम। पृथ्वी का, पृथ्वी से आपको जीवन चल सकता है, चंद्रमा से, तारा से, चंद्रमा से नहीं चल सकता, चंद्रमा तो ऊपर है। इसलिए ज़्यादा डीपली कौन है बताओ? सूर्य। कौन है? सूर्य से हमें सौर ऊर्जा मिलती है। एक लास्ट प्रश्न है आपका, निरक्षरता और शिक्षा, निरक्षरता और शिक्षा में क्या फर्क है बताओ?
अब आपका लास्ट प्रश्न बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका ऑप्शन ए आएगा, या फिर बी आएगा, या फिर सी आएगा, या फिर डी आएगा। इस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में करके बताना है, ठीक है। आगे हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।